तो फिजिक्स वाला जो आपका पहले ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था पाठशाला के नाम से, अभी नया ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं जो कि आपका विद्यापीठ के नाम से। तो अभी दो ब्रांचेज हैं आपका, एक एग्जीबिशन रोड में, एक इस्कॉन टेम्पल के पास स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम पहुंचे हैं बोरिंग रोड फिजिक्स वाला के ऑफिस में, चलते हैं अंदर, इंक्वायरी करते हैं। हमने स्टार्ट किया था पीडब्ल्यू पाठशाला, ऑल ओवर इंडिया में पाठशाला फर्स्ट टाइम ऑफलाइन मोड में आया था, फिजिक्स वाला फर्स्ट टाइम ऑफलाइन मोड में आया था पाठशाला नाम से। और अभी हमने स्टार्ट किया है पीडब्ल्यू विद्यापीठ, दोनों ही ऑफलाइन मोड है लेकिन दोनों का स्पेसिफिकेशन अलग है, इसलिए हमने नाम अलग अलग रखा है, पाठशाला एंड विद्यापीठ। अलग ये है कि पाठशाला पे अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो पाठशाला पे जो क्लासेस होती है वो हाइब्रिड मोड में होती है। मीन्स अगर पाठशाला पे आप एडमिशन लोगे, पाठशाला पे क्लास करने आओगे, आपकी क्लास में एक इंस्ट्रक्टिव स्मार्ट बोर्ड डिस्प्ले लगा होता है और आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो एक स्टूडियो में होते हैं, वो वहां से पढ़ाते हैं, ठीक है। और पाठशाला भी आपकी क्लासेस की ड्यूरेशन 4 घंटा, ड्रॉपर 11-12 की और ड्रॉपर की 6 घंटे की ड्यूरेशन होती है। 4 घंटा आपके क्लास में क्लास कोऑर्डिनेटर सर होते हैं जो कि आपको माइक प्रोवाइड करते हैं, क्लास की डेकोरम एंड डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। आपको डाउट आया स्टूडेंट हैंडल्स करेगा, क्लास कोऑर्डिनेटर सर के पास माइक होता है, वो आपको माइक देंगे, आप माइक के थ्रू डायरेक्टली अपने टीचर से बात करोगे। ये है पाठशाला का कॉन्सेप्ट। और अभी हमने स्टार्ट किया है पीडब्ल्यू विद्यापीठ। विद्यापीठ कंप्लीट ऑफलाइन है जहाँ फिजिकली टीचर्स खड़े होकर पढ़ाएंगे, ठीक है। पहला हमने विद्यापीठ कोटा में स्टार्ट किया, उसके बाद पटना, दिल्ली, कोलकाता, कानपुर, इलाहाबाद, इन सब जगह पे अभी तक 7 जगह स्टार्ट हो चुका है। पटना में जो हमने विद्यापीठ स्टार्ट की, पहले फेज की एडमिशन हमने लेनी स्टार्ट की जिसकी क्लासेस 12 अगस्त से स्टार्ट है, जिसकी एडमिशन क्लोज हो गई, ठीक है। फिर दूसरा हमने स्टार्ट किया पीडब्ल्यू विद्या आपका विद्यापीठ का फेज 2 स्टार्ट किया जिसकी क्लासेस 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, उसकी भी एडमिशन क्लोज हो गई, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पीडब्ल्यू विद्या, अभी थर्ड फेज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी क्लासेस मिड मंथ ऑफ सेप्टेम्बर स्टार्ट होगी, 10 या 15 तारीख के बीच में, अभी एग्जैक्ट डेट ये अनाउंस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हम एवरेज लेके चले 10 और 15 से हम स्टार्ट कर देंगे। पहले और दूसरे फेज की विद्यापीठ की लोकेशन आपकी LS कॉम्प्लेक्स एग्जीबिशन रोड, ठीक है, गांधी मैदान गेट नंबर 10 के सामने। आप 100 मीटर आगे जाओगे तो आपको अपने आपका बिल्डिंग दिख जाएगा, LS कॉम्प्लेक्स एग्जीबिशन रोड। तीसरे फेज का हमने लोकेशन भी चेंज किया है, चेंज ये है कि तीसरे फेज का क्लासेस जो चलेगा स्टेशन जाने वाले रास्ता में इस्कॉन टेम्पल अभी खुला, उसके अपोजिट साइड वाली बिल्डिंग, वहां से क्लासेस चलेगी तीसरे फेज के, ठीक है। पहले और दूसरे फेज की क्लासेस से पहले हम उनका ओरिएंटेशन क्लासेस रखते हैं, जैसे पहले फेज की क्लासेस 12 अगस्त से चली, उसका ओरिएंटेशन क्लासेस 10 अगस्त होगा। ओरिएंटेशन क्लासेस में हम बच्चे को सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे उसका स्टडी मटेरियल, टी शर्ट, उसको एक RFID कार्ड, उसको कौन सा बैच अलॉटमेंट हुआ, सारी चीज उस दिन बता दी जाती है, ठीक है। तो वैसे ही दूसरे फेज का भी ओरिएंटेशन होगा, मतलब फेज पहला जो हमने स्टार्ट किया 10 को, दूसरा 22 को स्टार्ट कर रहे हैं, तीसरा मिड मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 चेंजेस कुछ नहीं है, बस डेट का हमारा नहीं है, हम प्रोवाइड करेंगे, आपको खुद से चेकआउट करना होगा, हमने ना किसी से टाइप किया ना हमारा पर्सनल है, ठीक है। तो नियर बाई में जैसे आपको इनकम टैक्स के पास गांधी या बोरिंग रोड में आपको नियर बाई में 10-10 कदम पे मिल जाएगा, और हर एक हॉस्टल में आपको 10-12 स्टूडेंट पीडब्ल्यू का मिल जाएगा। ये हमारा ऑफलाइन क्लासेस, एक पाठशाला ऑफलाइन में भी 2 मोड है, एक पाठशाला एक विद्यापीठ, पाठशाला बोरिंग रोड और कंकड़बाग, दो ब्रांच है। विद्यापीठ में क्या अंतर है दोनों? पाठशाला पे क्लास हाइब्रिड मोड में होती है और विद्यापीठ कंप्लीट ऑफलाइन, कंप्लीट ऑफलाइन विद्यापीठ जो हमने खोला है वो एक LS कॉम्प्लेक्स एग्जीबिशन रोड, दूसरा इस्कॉन टेम्पल के अपोजिट में, वहाँ थर्ड फेज की क्लासेस वहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी आपका एग्जीबिशन रोड में क्लासेस चल रही है, फर्स्ट फेज की चल रही है, सेकंड फेज की आने वाली है 22 से। जैसे क्लासेस की टाइमिंग हमने जो 11th की टाइमिंग हमने इवनिंग में रखी है, क्योंकि 11th वाले बच्चे स्कूल अटेंडिंग होते हैं, ठीक है, उनकी क्लासेस की टाइमिंग 3:30 से 7:45, ठीक है, ये 11th वाले ही क्लासेस की टाइमिंग है। ड्रॉपर की टारगेट की हमने 2 शिफ्ट में टाइमिंग रखी है, एक सुबह मॉर्निंग में 9:00 से 2:15 तक, दूसरा 3:30 से 7:45, ये ड्रॉपर की क्लासेस की टाइमिंग है। तो उनका ओरिएंटेशन क्लासेस होता है उस टाइम, उनको बैच अलॉट हो जाता है, या तो मॉर्निंग या इवनिंग, उनको दोनों में से कुछ एक मिल जाएगा। ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग है। थर्ड फेज का एडमिशन चल रहा है, ठीक है, एडमिशन चल रहा है, थर्ड फेज का जो एडमिशन आपका हो रहा है, ठीक है, जिसमें क्लासेस आपकी जो स्टार्ट होगी, थर्ड फेज की एडमिशन जो स्टार्ट हमने कर दिया 2 दिन पहले से, थर्ड फेज की एडमिशन स्टार्ट हो गई है आपकी 11-12 2 साल की फीस स्ट्रक्चर विद्यापीठ की हमारे यहाँ 89,000 प्लस GST है, 18% एजुकेशन पे GST लगता है, आप ऐड करोगे वो हो जाएगा 1,05,020 रुपये,
ये आपकी फीस स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। उसमें आपका 3 इंस्टॉलमेंट है। अगर आप इंस्टॉलमेंट वाइज करना चाह रहे हो तो 3 इंस्टॉलमेंट है। पहला एट एडमिशन टाइम 35,700 रुपया, ठीक है। दूसरा 2 मंथ बाद 35,700 रुपया। तीसरा आपका मार्च अप्रैल में 35,600 रुपया, ये आपकी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे टारगेट वाला है, ड्रॉपर है, तो ड्रॉपर की फीस स्ट्रक्चर हमारे यहाँ 59,000 प्लस GST, 18% GST लगता है। आप ऐड करोगे वो हो जाएगा 69,620 रुपीज। ये ड्रॉपर की फीस स्ट्रक्चर हमारे यहाँ एडमिशन हो रही है। और थर्ड फेज विद्यापीठ कंप्लीट ऑफलाइन है, लेकिन उसमें भी हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे हमारे एडमिशन लेते हैं, हम आपके फोन नंबर पे PW ऐप का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपकी जो भी क्लासेस चलती है डेली क्लासेस आपके PW ऐप पे वो अपडेट हो जाती है। अगर उसकी बेनिफिट ये है कि किसी दिन आपने क्लास मिस किया तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, आप वहाँ से कवर कर लेंगे, आपको बैकलॉग नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, एडमिशन हो रही है तो आप ले सकते हैं, ठीक है।